السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون اور काफिरों ने ईमान वालों से कहा कि तुम हमारे रास्ते पर चलो हमारी ताबेदारी करो हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ भी उठाने वाले नहीं ये झूठे हैं अलबतः ये अपने बोझ ढोएंगे और अपने बोझ के साथ और बोझ भी नजरन कराम हम आपकी ख़िदमत में पेश कर रहे हैं सूर्ण कबूत की तफसर सरअन कबूत बीसवें पारा की एक ऐसी सूरह जिसमें अल्लाह ताला ने मकड़ी के नाम पर इसका नाम रखा और मकड़ी का जिक्र करके इंसानियत को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया ये बारह और तेरह नंबर की दो आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया कि काफिर ईमान वालों से ये कहते कि तुम हमारी सुनो हम तुम्हारे गुनाह के जिम्मेदार हैं आप जानते होंगे समाज में ऐसे लोगों को कि जब वो किसी को बुराई पर लगाएंगे जैसे कोई किसी से गलत काम करवाता है किसी बच्चे को किसी बड़े को तो क्या कहेगा अबे फिक्र मत करना मैं हूँ ना तुम्हारे साथ कानून तोड़ रहा है चाहे मुल्क का चाहे दीन का चाहे इस्लाम का लेकिन कैसे वो दहशतगर्द बनाता है किसी को इतमान दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये कानून तोड़ने का आतंकवाद का या दहशत गर्दी सिखाने का जो नजरिया या जो सोच थी ये कुफ्र की पुरानी सोच है ईमान वालों से कहते कि तुम हमारे रास्ते पर चलो हम तुम्हारे गुनाहों के जिम्मेदार हैं हम उसका बोझ उठा लेंगे गैर कानूनी काम करवाएंगे कहेंगे जाओ फला तो है हमारे साथ बड़े लोगों का नाम लेके कानून तोड़ने की बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे उससे बढ़ करके जो कि बात दीन की हो रही है आप देखिए कि पीरों के हाथ पर जो बैत लेते हैं तो पीर कहेंगे कि जब तुम्हारा पीर है तो वो कब्र में तुम्हारी जगह सवालों का जवाब देने के लिए आ जाएगा पीर की तस्वीर घरों में लोग लगा देंगे पिर का तस्वुर कर लो और वो तुम्हारी बख्फरत करा लेंगे अपने साथ पिर तुम्हें जन्नत में ले जाएगा ये सोच है कि नहीं ये सोच कुफ्र की सोच है वही सोच जिसका अल्लाह ने जिक्र किया वना यानी ईमान वालों को खुद इस तरह गुमराह करते थे क्यों वल हम तुम्हारे गुनाहों के जिम्मेदार हैं जबकि अल्लाह ने कहा कि ये किसी गुनाह का कोई हिस्सा नहीं उठा सकेंगे इन नहुम लका जेबून ये झूठे लोग हैं जो भी ऐसी बात करे वो झूठा है अल्लाह ने फरमाया कि वला तजिर वाजिर तुम मिज्र उखरा कोई किसी का बोझ नहीं ढोएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन दा इला हुदन का नहू मिन अजर मिथल अजूर मन तब जिसने किसी को भलाई की और अच्छाई की तरफ दावत दी अच्छाई और भलाई पे चलने की वजह से उसने जितनी भी नेकी की जितना भी अमले साले किया उसका बदला तो उसे मिलेगा जिसने नेकी और भलाई की लेकिन जिसने उसे नेकी और भलाई का रास्ता दिखाया उस रास्ता दिखाने वाले को भी उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर नेकी करने वाले को और नेकी करने वाले के अजर में से कभी नहीं की जाएगी यह है भलाई फैलाने का मकाम दावत का मकाम और उसके बरक्स जिसने किसी को बुराई की दावत दी वमन दरा जिसने किसी को बुराई और गुनाह और गुमराही की दावत दी और गुमराही की दावत को पा करके गुमराही पर कोई चलने लगा तो गुमराही पर चलने की वजह से जितना गुनाह उसे मिलेगा उतना ही उस शख्स को भी मिलेगा जिसने उसे गुमराही का रास्ता बताया इसीलिए कहते हैं मनहज की सलामती इसीलिए नेक लोगों की जमात में शामिल हो जाना अल्लाह ने यही तो पैगाम दिया इससे पहली आयतों में कि जो ईमान और अमल सारे वाले हैं हम उन्हें नेक लोगों की जमात में शामिल करेंगे इसलिए कि गुमराही की दावत देने वाले भी मौजूद हैं समाज में गुमराही को चैलेंज के तौर पर पेश करने वाले मौजूद हैं कि हम तुम्हारे गुनाहों के ज़िम्मेदार हैं हम तुम्हारी क़ानून सीखने के जिम्मेदार हैं ऐसे चैलेंज करने वाले शैतान के भाई पहले भी थे आज भी मौजूद हैं इसीलिए अल्लाह ने सख्ती के साथ कहा कि ये झूठे लोग हैं कुफार की एक बड़ी ख़तरनाक जो ज़िंदगी की जो चीज़ थी वो क्या थी बाप दादा की अंधी तकलीद वो इसलिए कोई काम नहीं करते कि गलत है या सही है वो इसलिए करते कि हम अपने बाप दादा से ऐसा ही करते हुए आए हैं तो गुमराही का एक खतरनाक रास्ता जो है बाप दादा की अंधी तकलीद कुरान ने ऐसे तमाम रास्तों को बंद कर दिया अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने ऐसी तमाम तकलीदों को ख़त्म कर दिया उनकी जड़ों को काट दिया और कुरान और सुन्नत की भी एक ऐसा फार्मूला एक ऐसा दस्तूर हयात दे दिया कि इस पर चल करके ही नेक लोगों की जमात में बंदा शामिल होगा और जो भी इसको चैलेंज करे वो झूठा है गुमराह है और गुमराह लोगों के साथ है इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा जिस बात का खदशा है वो गुमराह करने वाले आइम्मा का है मेरी उम्मत में ऐसे आइम्मा और पैदा होंगे जो लोगों को गुमराही की दावत देंगे आज हैं कि नहीं बिदतों की दावत देने वाले कोफ्र की दावत देने वाले शिरक़ की दावत देने वाले और सुन्नत के नाम पर सुन्नत की मुखालफत की दावत देने वाले इनकी जड़ वही है कुफारे मक्का की कि वो ईमान वालों से कहते कि हमारे रास्ते पर चलो और हम तुम्हारे गुनाहों के ज़िम्मेदार हैं जबकि ऐसा होगा कि उस रास्ते पर चलते चलते जब वो जहन्नम के दरवाज़े पर पहुँचेंगे गुमराही की वजह से तो जहन्नम का दारोगा उनसे पूछेगा कुमाफी हा फौज खजान तो नज़ीर जहन्नम का दौर होगा हर उस गरोह जमात से पूछेगा जो जहन्नम में डाले जाएंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था तो कहेंगे काल भला कज्जा अना नदीर फकर दबना वक़ुलना मा नजल्लाश इन तुम अफ़िरला कबीर हाँ आए तो था लेकिन हमने उसे झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा है उल्टा हम रसूलों को भी गुमराह कह बैठे थे तो ये वो फिक्र है ये ख़तरनाक सोच है कि रसूलों को भी गुमराह करने वाले लोग मौजूद थे लेकिन जब जहन्नम के दरवाज़े पर फरिश्ता पूछेगा तो कहेंगे हमने गलती की रसूलों को गुमराह कहते थे लोग तो मेरे भाई और दोस्तों इस आयत में अल्लाह ने जो पैगाम दिया पहला पैगाम कि कुफ्र हमेशा से ईमान का दुश्मन रहा है और मोमिन के नेक अमल का दुश्मन है दूसरा पैगाम कुफ्र की ताकतें हमेशा अलग अलग उसलूब और रास्ते और तरीक़े अख्तियार करके लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं घर वापसी के नाम पर एक आवाज़ हमारे यहाँ उठती है कि घर वापसी ये क्या है ये कुफर का वही पुराना हरबा है कहते हैं ना कि हमारे रास्ते पर चलो हम तुम्हारे गुनाहों के जिम्मेदार हैं ये कुफर की पुरानी सादिश साजिश और जो है रविश के वो अलग अलग रास्तों से ईमान वालों को बहकाएगा नंबर तीन झूठी दावत इस्लाम के सिवा जो भी दावत है वह झूठी है और गुमराही पर है नंबर चार इस आयत से चौथा जो मसला साबित हुआ कि कुफ़्र चाहे जितना सर चढ़ करके बोले अल्लाह उसे जलील करेगा हमेशा कुफ़्र के लिए ज़िल्त है ईमान के लिए इज्जत है वलिला के लिए रसूल के लिए, ईमान वालों के लिए कुफर के लिए जिल्लत है पांचवा मसला कि हमेशा गुमराही फैलाने वालों की दावत से डराया जाएगा कहते हैं ना कि आप फिरकों पर रद्द क्यों करते हैं उन पर रद्द क्यों करते हैं किसी को बुरा क्यों कहते हैं इसलिए कि बुराई को बुराई नहीं बताएंगे या बुराई की दावत देने वालों का तारुफ नहीं होगा कि ये बुरे लोग हैं सरपसंद हैं फ़िरका परस्त हैं ये आतंकवाद हैं या ये बीजाती हैं या ये जो है बगावत पैदा करने वाले सरकश है इस्लाम के तो कैसे लोग उनसे दूर रहेंगे सादा लव लो लोगों को गुमराह करने वालों के बारे में बताना ये कुरान का उसलूब है ये पाँचवा मसला इस आयत से साबित हुआ छठा मसला हर वो दावत झूठी दावत है जो कहे कि तुम चलो हमारे साथ रहो हम तुम्हारे ज़िम्मेदार हैं कोई किसी का बोझ नहीं ढोएगा सातवां मसला अल्लाह का इल्म सारे पर भारी है और हावी है उससे ज़्यादा किसी के पास इल्म नहीं और आठवां मसला अल्लाह के पास इंसाफ है अल्लाह किसी को जहन्नम में डालेगा तो ज़ुल्म के तौर पे नहीं बल्कि अदल के तौर पे डालेगा इसीलिए बाज ने लिखा कि अल्लाह मजलूम की मदद करता है चाहे काफिर ही क्यों ना हो काफिर की मदद इसलिए नहीं करेगा उसके कुफर की वजह से बल्कि अदल को कायम करने की वजह से और आठवां मसला जो शायद से साबित हुआ कि भलाई की दावत देने का बदला बहुत बड़ा है बेशुमार है उसी तरह बुराई की दावत देने वाले की, की ख़तरनाक की बड़ी ख़तरनाक है उससे भी वाकिफ रहना चाहिए नवां मसला जो शायद से साबित हुआ क़यामत का दिन बरहक़ है और वो लोग पूछे जाएंगे किस दिन अम्मा कानु तर ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं इसके बारे में उनसे पूछा जाएगा दसवां मसला जो इस से साबित होता है कि झूठ कभी भी खैर नहीं लाता झूठ में हमेशा शर और बुराई होती है झूठ चाहे मज़ाक में बोला जाए चाहे हंसाने के लिए बोला जाए चाहे सीरियसली बोला जाए झूठ सबसे बुरी चीज़ है हाँ सुलह कराना है और बात जगहों पे जहाँ पे गुंजाइश है वो एक अलग मसला है और अल्लाह के रसूलसल फ़रमाते हैं उसके लिए वायल है तबाही और बर्बादी है जो लोगों में झूठ बयान करता है ताकि लोगों को हंसाए आप देखें मजाही शायर जो झूठी बातें शहर में कहता है मज़ाहिया कलमकार जो झूठी बातों को कलमी रुख देता है सच्ची बात लिखो कोई हरज नहीं लेकिन झूठ बोल करके हंसाना या हंसाने के लिए झूठ बोलना यह भी लानत का सबब है ये चंद मसाइल इस से साबित हुए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ की पैरवी की तौफीक बख्शे और कुफ्र की सारी साजिश और सारे हथकंडों से हमारी हिफाज़त फरमाए आमीन जजाक खैर नाजरीन नाजर हमारे साथ आप जुड़े रहिए इंशाअल्लाह अगले गुफ्तगू में हम सूरह की चौदह और पंद्रह दो आयतों की तफसीर के साथ हाजिर होंगे आपकी मोहब्बत का आपकी नवाजिश का हमारे साथ जुड़े रहने का सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया अलैकुम व असलम व बरकातहू दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पे या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें